चलिए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 8.3। हमारी एक्सरसाइज है वो पहला हमारा एक ही क्वेश्चन है हमारा, पर इसमें कई सारे पार्ट हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, पहले हम अपना पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, कौन सी बड़ी है, मतलब कौन सी संख्या बड़ी है उसका कारण भी बताना है। तो ए वाला जो है वो है 0.3 या 0.4। आपको बताना है 0.3 बड़ी है या 0.4 बड़ी है। तो आपको बता दूं, ऐसे हमारी संख्याएं होती हैं, यहाँ पे दशमलव होता है, इधर हमारी इकाई होती है, फिर हमारी दहाई होती है, फिर हमारा सैकड़ा होता है, फिर इधर हमारा दशांश होता है, फिर हमारा शतांक होता है, फिर हजारवां होता है, इस तरीके से हमारा चलता है। ठीक है, तो हमको क्या मिला है, इधर हमको मिला है 0.3। तो 0.3 हमारा कैसे आया है, 0.3 ये कह लो। ठीक है, 0.3 कह लो, या इसको हम कह सकते हैं 3/10। ठीक है, क्योंकि ये दशमलव के बाद है ना, तो दशमलव के बाद में है, तो हम इसको यहाँ पे है दशमलव के बाद में लिखा है ना 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/10। दशांश का मतलब होता है 1/10, शतांक का मतलब होता है 1/100। ठीक है, इकाई का मतलब होता है गुणा 1। ठीक है, दहाई का मतलब होता है गुणा 10। ठीक है, सैकड़े का मतलब होता है गुणा 100। तो हम यहाँ पे दशांश है ना, तो 3/10 इसको लिख सकते हैं, 3/10 लिख लिया। फिर इसमें क्या है, 0.4 है ना, तो 0.4 है, 4 हमारा यहाँ पे है ना 0.4, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4/10 लिख सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4/10। अब 0 और 0 तो हमारा सेम है, ठीक है, 0 और 0 हमारा सेम है। अब हमें चेक किससे करना है, 4/10 और 3/10 में। अब हम यहाँ पे दशांश की तुलना करके देखते हैं, तो हमको मिलता है कि 4 जो संख्या है वो इससे बड़ी है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 बड़ी है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 0.4 इज ग्रेटर देन 0.3। ठीक है, दशांश में क्या हमको मिल रहा है, 4 बड़ा है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे रीज़न, दशांश की तुलना करने पर। ठीक है, तुलना ही तो की हमने, इसीलिए हम यहाँ पे लिख देंगे दशांश की तुलना करने पे। दशांश की तुलना हमने की तो हमको क्या मिला, ऊपर 4 बड़ा मिला, 4 ही तो बड़ा होता है ना 3 से, इसलिए। फिर अगला हमारा क्या है, अगला भी हमारा कुछ ऐसा ही है, ये 0.07 या 0.02, इनमें से बताना है कौन बड़ी है। अब ये हमारा ए दशांश शतांक पे है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये लिखा है 0.02, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका मान क्या है, गुणे में 2 के गुणे में 1/100, मतलब 2/100 हुआ, यही तो मान है शतांक का, 1/100 गुणे में, तो हमने गुणे में 1/100 कर दिया, तो हमारा क्या आ गया, 2/100 आ गया। ऐसे ही इसमें हो जाएगा 0.7, कितने जीरो लगेंगे, 2 जीरो लगेंगे, क्योंकि ये शतांश के नाम पे है। ठीक है, शतांश की जगह पे है, तो 100 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, 0.2 है ना, 2/100 हमने निकाला है ना। आप ऐसे उसको ये सब ना भी करें तो भी चलेगा, आप इसमें हो सकता कंफ्यूज हो रहे हो, ना भी करें तो ये चलेगा। आप यहाँ से देख लीजिए, सिंपल से दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक है ना, तो 2 जीरो लग गए। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 अंक है ना, तो 1 जीरो लग गया। सिंपल सा आप याद रखिए, ठीक है, कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए। अब आप इसको मिलाएंगे तो ये दोनों, ये और ये हमारे सेम है। अब हम किस में मैच करेंगे, इसमें मैच करेंगे, तो अब हम शतांश की तुलना करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 7 बड़ा मिलेगा। क्या बड़ा मिलेगा, 7 बड़ा मिलेगा, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0.07 इज ग्रेटर देन 0.02।
ठीक है, ये हमारा बड़ा मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, शतांश की तुलना करने पर क्या लिखेंगे, किसकी तुलना की हमने, शतांश की तुलना की। तो हम यहाँ पे लिखेंगे शतांश की तुलना करने पर, ठीक है, किसकी तुलना की, शतांश की तुलना की, ठीक है, इस तरीके से हम ये कर देंगे। तीसरा हमारा क्वेश्चन क्या है, तो तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, तीन या 0.8, ठीक है, तीन या 0.8। अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे तो तीन है और इसमें क्या आ रहा है, इसमें तो 0.8 कितने अंक हैं, दशमलव के बाद एक अंक है ना, तो 8/10। अब हम इसकी सबसे पहले किसकी तुलना करेंगे, यहाँ पे दशांश और शतांश कुछ है ही नहीं, तो हम यहाँ पे जीरो भी कर सकते हैं, ठीक है, या इसकी ज़रूरत भी नहीं है, ना भी करो तो भी चलेगा, ठीक है, रहन दो लिखने को क्योंकि आप कन्फ्यूज हो सकते हो, ठीक है। आप क्या करो, यहाँ पे तीन लिखा, इसके बाद में दशमलव अंक है नहीं, तो हमें कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें है तो हमको प्लस में लिखना पड़ा, और यहाँ पे जीरो है तो हमने यहाँ पे जीरो लिखा, और इसके बाद होता है ना दशमलव, ठीक है, तो हमारी तुलना किससे होगी, इसकी इससे होगी। अब बताओ तीन बढ़ाए कि जीरो बढ़ाया, आप कहोगे तीन बढ़ाए, तो आप इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हो, 3 is greater than 0.8, ठीक है, इस तरीके से हम ये कर देंगे और हमारा जो है वो आ जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है डी, ठीक है, चलो डी करते हैं। तो डी वाला हमारा क्या है, मैंने 1, 2, 3 लिखा है पर डी चल रहा है ना, ए बी सी डी चल रहा है, हाँ, तो है 0.5 या 0.5 या 0.05, 0.05। अब आप इसमें क्या देखोगे, इसको जो आप दशांश शतांक में लिखोगे तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं, एक अंक है ना, तो इसको आप लिख सकते हो 0+5/10। इसको क्या लिख सकते हो आप, 0+0.5 कितने अंक हैं, दो अंक है ना, तो 5/2 अंक है ना, तो 2 जीरो लग जाएंगे। अब आप इनकी तुलना करोगे, देखो इसमें क्या होता है, इधर जब हम बढ़ते हैं तो हमारा ज़्यादा होता जाता है, क्यों, क्योंकि 10 हुआ, फिर 100 हुआ, फिर 1000 हुआ, फिर 10000 हुआ, बढ़ते जाते हैं। इसमें क्या होता है, इधर हम जितना आगे बढ़ेंगे उतना कम होता जाएगा, मतलब ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है, ठीक है। तो ऐसे ही हम देख रहे हैं, यहाँ पे 2 जीरो हैं और यहाँ पे कितने जीरो हैं, 1 ही जीरो है, तो कौन सा बड़ा हुआ, जिसके पास ज़्यादा जीरो हैं, नीचे नीचे में जिसके ज़्यादा जीरो हैं, हर में जिसके ज़्यादा जीरो हैं, वो हमारा छोटा होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसकी इसकी तुलना की तो हमारा कौन, बराबर निकला। अब इसकी इसकी जब तुलना की तो हमारा क्या हुआ, इसकी इसकी जब हमने तुलना की तो हमारा क्या हुआ, हमने जब इनकी तुलना की तो हमारा ये छोटा निकला, ये छोटा निकला, तो हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 is greater than 0.05, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि इधर हम जितना बढ़ेंगे वो छोटा होता जाएगा, ठीक है, जितने ज़्यादा नीचे जीरो होंगे उतना छोटा वो अंक होगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लेंगे दशांश की तुलना करने पर, ठीक है। अब ई वाला हमारा क्वेश्चन क्या है, ई वाला जो है वो है 1.23 या 1.2, ठीक है, ये है हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, एक है ना, तो 1+ करेंगे, और 23 लिखा है ना, तो 23 लिख लेंगे, और दशमलव के बाद कितने अंक हैं, दो अंक है ना, तो 2 जीरो लगा देंगे, फिर यहाँ पे या लिखेंगे, फिर 1 है ना, तो 1+ करेंगे, और यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 ही अंक है, ठीक है, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 अंक है, तो 1 जीरो लगा देंगे, ठीक है, ये हमारा हो गया, हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, इसको बराबर में कर ले, इसके बाद में हम जीरो अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हैं, क्यों बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमें इसके बराबर रख देना है, ठीक है,
इसके बराबर रख देना है। क्यों बराबर रख देना है? क्योंकि यहाँ पे दो अंक हैं, यहाँ पे एक ही अंक था, तो हम इसको बराबर कर देते हैं। ठीक है, हम इसको भी बराबर कर सकते थे, इस यहाँ पे भी हम जीरो लगा सकते थे, ठीक है, तो भी हमारा यहाँ पे दो जीरो हो जाता। अब 50, तब भी आप देखते 50 बड़ा है क्या, 5 बड़ा है, तो आप कहते 50 बड़ा है ना, तो इस तरीके से ये भी आ सकता था। ठीक है, तो आप बराबर कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो इसको भी हमने, आप कहोगे जीरो हमने कैसे बढ़ा दिया, दशमलव की कोई भी संख्या हो, संख्या पूरी होने के बाद आप जीरो लगा सकते हो दशमलव के बाद में, पर पहले नहीं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 20 कर दिया। अब आप जब कंपेयर करेंगे ना, तुलना करेंगे ना, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा ये और ये तो हमारा बराबर है। अब इसकी तुलना, इसकी तुलना करोगे तो क्या आएगा, इससे इसकी तुलना करोगे तो आप कहोगे 23 बड़ा है। 23 बड़ा है तो मतलब ये वाली संख्या आपकी बड़ी हो गई। 1.23 इज ग्रेटर देन 1.20 या 2। ठीक है, तो आपने तुलना किसकी की, बटे में 100 है ना, तो आप यहाँ पे लिख दोगे दशांश की तुलना कर, शतांक की तुलना करने पर। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। एफ वाला क्वेश्चन क्या है, जल्दी से आ जाओ भाई। तो एफ वाला क्वेश्चन जो है वो है 0.099 या 0.19। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 3 अंक है, बराबर ही कर लेते हैं। ठीक है, आप कंफ्यूज मत हो, अंक जैसे इसके बराबर कर लिए थे दशमलव के बाद वाले, इसमें भी बराबर कर दिए थे, तो इसके भी बराबर कर देते हैं। यहाँ पे 3 अंक है, यहाँ पे 2 अंक है, तो हम यहाँ पे 0 अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 0+99 बटे कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, तो 3 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, या 199 है ना ये, 0 अगर पहले लिखा है तो 99 ही बोला जाएगा। ठीक है, अगर 0 पहले लिखा है किसी संख्या के तो वो 0 नहीं गिना जाता है, अगर 0 बाद में लिखा है तो वो पूरी संख्या गिनी जाती है। ठीक है, तो 190 बटे कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। ठीक है, तो 3 जीरो लगा दिया। अब बताओ इसकी तुलना इससे करी तो बराबर आया, अब इसकी तुलना इससे करी, 99 बड़ा है कि 190 बड़ा है, तो आप कहोगे कि 190 बड़ा है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, 0.099 इज स्मॉलर देन 0.190 या 19 था ना हमारे क्वेश्चन में, तो 19 ही लिखो। ठीक है, इस तरीके से हमारा आ जाएगा। तो हमने तुलना किसकी की है, हजारवें मान की तुलना की है, यहाँ पे दशांश शतांक तो था नहीं, तो हमने तुलना किससे की है, हजारवें मान से की है ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हजारवें मान की तुलना करने पर। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा होगा, हम इसको यहाँ पे बिगाड़ देते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन कर देते हैं बाकी। ठीक है, तो अगला है हमारा एफ के बाद जी। जी हमारा क्वेश्चन क्या है, जी वाला हमारा जो क्वेश्चन है वो है 1.5 या 1.50। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, दशमलव के बाद एक ही अंक है, यहाँ पे 2 अंक हैं, तो हम यहाँ पे 0 बढ़ा लेते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये सेम संख्या, सेम टू सेम ये है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1.50 बराबर 50 क्या, ये 5 था ना, तो हम इसको 1.5 ही लिखेंगे, बराबर 1.50, मतलब बराबर है, तो हम इसको बराबर ही लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने तुलना किससे की है, संख्याओं की तुलना की है, तो हम यहाँ पे यही लिख देंगे दशांश की तुलना करने पर। ठीक है, तो अब हमको बताना है अगला क्वेश्चन एच। एच वाला जो है वो है 1.4910। ठीक है, अब हमें यहाँ पे बराबर तो करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक हैं, यहाँ पे भी दशमलव के बाद 3 अंक हैं। ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे।
तो हम क्या करेंगे, 1+431 बटे कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, तो 3 जीरो हम लगा देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1+490/1000 करेंगे, ठीक है। अब हमारा ये कंपेयर करते हैं तो बराबर आ रहा है, इसको और इसको कंपेयर करते हैं तो हमारा क्या आएगा, 490 ग्रेटर देन आ रहा है ना, ठीक है। और यही हमारा ग्रेटर देन का साइन भी इधर लगा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो चीज़ थी वो सही लिखी हुई है, ठीक है। तो अब हम अगला करते हैं, आई। आई हमारा क्या है, 3.3 या 3.300, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3.3 लिख ले रहे हैं, और यहाँ पे क्या लिखा है, 3.300। यहाँ पे 3 अंक हैं, यहाँ पे 1 ही अंक है, तो हम 0-2 अपनी मर्ज़ी से बढ़ा सकते हैं। फिर हम चेक करते हैं कि ये दोनों जो हैं वो हमारे बराबर हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3.3 = 3.300, ठीक है, बराबर आ गए। तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये नोट कर लीजिए जल्दी से। फिर अगला है हमारा जे और के, दो क्वेश्चन बचे हैं। पहले का जे, तो जे वाला हमारा क्वेश्चन क्या है, 5.64 or 5.603, ठीक है, ये हमको बताना है इनमें से कौन सी बड़ी है, ठीक है। क्या करेंगे, इधर 5.64 उतार लिया, 5.603 भी उतार लिया, यहाँ पे 3 अंक है तो इनको भी 3 अंक बना लेते हैं, तो 0 लगा लिया। अब हमें क्या करना है, 5+640/3 0, क्योंकि 3 अंक है ना दशमलव के बाद, ऐसे ही इसको कर लेना है, 5+603, यहाँ भी दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 0 लग जाएंगे। ये कंपेयर किया इससे तो बराबर निकला, इसको इससे कंपेयर कर रहे हैं तो 640 जो है वो बड़ा है 603 से, तो हम क्या लिख सकते हैं, 640 वाला क्या था, 5.64 > 5.603, ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा। अगला जो के वाला है वो भी करते हैं। के वाला क्या है, ऐसे 5 उदाहरण लिखकर उनमें से बड़ी संख्या बताओ। तो 5 उदाहरण देने हैं हमको, तो 5 उदाहरण देने हैं, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 0.04, या पहला उदाहरण ले लेते हैं 0.04 या 0.05, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0+4/10 या 0+5/10। अब 5 बड़ा है कि 4 बड़ा है, 0 0 तो बराबर ही हो गया, बताओ 5 बड़ा है कि 4 बड़ा है, तो आप कहोगे 5 बड़ा है, तो हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, 0.4 = 0.5, और इस उदाहरण आप ये भी ले सकते हैं, 2 या 3, तो आपको पता है 2 बड़ा है या 3 बड़ा है, तो आप लिख सकते हो 3 > 2। फिर अगला उदाहरण आप ले सकते हो 4 और 5 का, तो आपको पता है 5 > 4। ऐसे आप कई सारे उदाहरण ले सकते हो, 3 मैंने करा दिए, बाकी 2 आप अपने आप कर लेना, ठीक है। इस तरीके से आपका जो पूरी एक्सरसाइज है, एक ही क्वेश्चन था पर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा थे, तो सारी एक्सरसाइज जो है वो हो चुकी है, ठीक है। तो चलिए नोट कर लीजिएगा अपना क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको अब क्या करना होगा, हमारी वीडियो जो है उसको लाइक करना होगा, फिर आपको क्या करना होगा, हमारी गुरु दक्षिणा देनी होगी। गुरु दक्षिणा में आपको जो यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं उनको हमारे चैनल सब्सक्राइब करना होगा और शेयर करना होगा। अब सब्सक्राइब बटन के पास में एक बेल आइकन बना होता है, बेल आइकन को हिट करना होगा, ऑल वाला ऑप्शन लगाना होगा, और आपको क्या करना होगा, जो फेसबुक पे देख रहे हैं उनको हमारा पेज फॉलो करना होगा और लाइक करना होगा, ठीक है, और शेयर करना होगा।
ठीक है, ये हमारी गुरु दक्षिणा है आपको। और आप लोग जो हैं सब्सक्राइब तो कर लेते हैं पर शेयर बहुत कम करते हैं, तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। मेन गुरु दक्षिणा जो है हमारी यही है, तो ये करना बिल्कुल ना भूलें, हमारी गुरु दक्षिणा देना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। और जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो भी सुन के ज़रूर जाना। तो आपको बता दें कि हमारे चैनल पर कैसे विजिट करना है और कैसे क्या प्लेलिस्ट में जाना है। इसके लिए आपको सर्च बार में जोजस स्टडी टाइप करना होगा। जब आप सर्च करेंगे तो हमारा चैनल का लोगो दिखेगा, जिस पर आप टच करेंगे तो आपको हमारी प्रोफाइल जो चैनल की है वो खुल के आ जाएगी। जब आप वीडियो ऑप्शन में जाएंगे तो आपको रिसेंट वाली वीडियोस जो हैं वो दिख जाएंगी, ठीक है। उसके बाद जब आप प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाएंगे तो आपको आपके सामने प्लेलिस्ट खुल के आ जाएंगी कुछ। फिर आपको एरो दिखेगा जिसके ऊपर आप टैप करेंगे तो कुछ और प्लेलिस्ट आ जाएंगी। फिर आपको व्यू 30 मोर दिखेगा जिस पे आप टैप करेंगे तो आपके सामने सारी जो भी जितनी प्लेलिस्ट हैं सब खुल के आ जाएंगी। जिस भी क्लास की आपको चाहिए, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक की, आपको सारी प्लेलिस्ट जो हैं वो मिल जाएंगी। आप देख लीजिएगा हर सब्जेक्ट की क्लासेस। फिर आप चैनल पर जाएंगे, चैनल पे जाने के वक्त आपको हमारे कुछ चैनल्स दिखेंगे अदर्स, जैसे कि जोजस किड्स मस्ती, जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, जोजस क्राफ्ट, जोजस स्टडी 9 to 12। इन चैनल्स में है क्या ये आप देख सकते हैं। पहला जो चैनल है जोजस किड्स मस्ती, बच्चों का चैनल है जिसमें बच्चों के लिए वीडियोस होंगी। उसके बाद हमारा जो दूसरा चैनल है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, इसमें आप सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी ज्वेलरी अपने हाथों से बहुत ही कम समय में बहुत ही ईजी तरीके से बना सकते हैं। और अगर आप क्रिएटिव बनना चाहते हैं तो हमारे इन चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको बता दें हमारा जो तीसरा चैनल है जोजस क्राफ्ट, इसमें हाथ से बने हुए सुंदर सुंदर घर की बेकार चीज़ों से सुंदर सुंदर चीज़ें, फूल क्राफ्ट वगैरह ये सब बनाए गए हैं। और अगर आप 9th से 12th क्लास में हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसमें 9th और 10th 11th 12th की क्लासेज जो हैं वो आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह इन चैनल्स में हमारे यही है, तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है, और आपको जो SW का काम दिया जाता है वो आप ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।